तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज की बेहद ही बड़ी और ताजा खबरें, जिन्हें दोस्तों आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी खबरों में आप सभी के लिए आज जो पहली खबर निकल कर आ रही है, इस दिन से मोदी सरकार खोलने जा रही है देश भर के सभी स्कूल और कॉलेज। अब कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक के बच्चों को जाना होगा अनिवार्य, वरना लगेगा इतने रुपए का फाइन, हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी एक स्टूडेंट है, यानी कि आप भी एक विद्यार्थी है, या फिर आपका बेटा या फिर बेटी किसी भी कक्षा में पढ़ता है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार इस दिन से, इस महीने से दोस्तों यहाँ पर देश भर के सभी स्कूल और कॉलेज खोलने जा रही है। तो आखिरकार वो कब से मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, आप सभी दोस्तों हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपका भी बेटा या फिर बेटी किसी भी स्कूल में पढ़ता है, या फिर आप एक खुद एक विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों इस पूरी खबर को जान लीजिएगा, वरना आपको यहाँ पर बाद में बड़ा फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसके साथ दोस्तों, अब देश के जितने लोगों के पास में है जमीन, उनके खाते में मोदी सरकार भेजेगी इतने हजार रुपए। बस करना होगा ये काम, जिनके पास में होगा राशन कार्ड, सिर्फ उन्हें ही मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी सरकार ने अभी एक बहुत ही बड़ा ऐलान पूरे देश के समक्ष लाइव आके प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें देश भर के सभी लोगों के पास, जिनके भी पास थोड़ी सी भी जमीन है, चाहे ज्यादा जमीन हो, जिनके भी पास जमीन है, उनको यहाँ पर मोदी सरकार हर महीने इतने हजार रुपए भेजेगी। दोस्तों अगर आपके पास भी जमीन है, तो दोस्तों इस योजना के तहत आपको कैसे लाभ मिलेगा, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ आपके घर में अगर दो लोगों के पास भी जमीन है, तो उन दो लोगों को भी ये पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे आगे वीडियो में। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के तहत मोदी सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ का भी फायदा उठा सकते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वरना आपको यहाँ पर बाद में बड़ा नुकसान हो सकता है और बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि जो लोग इन योजनाओं के बारे में रोजाना जानते रहते हैं, उनको यहाँ पर बहुत बड़े लाभ होते हैं और वो इन योजनाओं का फायदा भी उठाते हैं। लेकिन जो लोग इन योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाते हैं, उनको यहाँ पर बाद में नुकसान भी हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब जिनको भी मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत दिया था फ्री में गैस सिलेंडर, अब उनके लिए आ रही है बुरी खबर। अगले दो महीनों तक नहीं आएंगे खाते में सब्सिडी के पैसे, लेकिन जो लोग कर लेंगे ये काम, उनको मिलेगा सीधा फायदा और आते रहेंगे सब्सिडी के फायदे। जी दोस्तों, बता दें अगर आपके पास भी एलपीजी गैस सिलेंडर मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में दिया था, तो आपके लिए यहाँ पर दोस्तों बुरी खबर आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि अगले दो महीनों तक सभी के खाते में एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप इससे बच सकते हैं और आपके खाते में आगे दो महीनों तक भी एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे आते रहेंगे। तो आखिरकार वो कौन सा काम है, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसी के साथ दोस्तों, अब जिनके घर पर भी लगा हुआ है बिजली का कनेक्शन और रोजाना करते हैं बिजली का इस्तेमाल, तो आप जान लीजिए इस खबर को, यहाँ की सरकार ने कर दिया है बड़ी घोषणा, अब बढ़ने जा रही है बिजली की दरें, चुकाना होगा ज्यादा बिल, लेकिन अगर भर देते हैं ये फार्म तो हो सकता है बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, इस राज्य सरकार की ओर से अभी बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है कि आगे आने वाले महीनों में यहाँ पर बिजली के बिल को अब बढ़ाया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर अब आपकी बिजली महंगी होने जा रही है। तो आखिरकार कौन सा राज्य है और कहाँ के लोगों को यहाँ पर यह बड़ा नुकसान हो सकता है, आपने अगर इस खबर को जान लिया तो आपको यहाँ पर बाद में फायदा भी मिल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों इन सभी खबरों को हम जानेंगे आगे वीडियो में एक एक करके, लेकिन इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों पहली खबर, अब इस राज्य के लोगों के लिए आई बड़ी खबर, अगर घर में है बिजली का कनेक्शन तो होगी बड़ी परेशानी, यहाँ की सरकार करने जा रही है बड़ा ऐलान, उपभोक्ताओं को हो सकती है बड़ी मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपके भी घर पर बिजली कनेक्शन है, यानी कि आप भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर दोस्तों बुरी खबर आ रही है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने अब आपके लिए बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप बता दें आपको, अगर आपके घर पर बिजली का कनेक्शन है या फिर आपने अभी तक अपना बिजली का बिल जमा नहीं किया है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, हम आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी खबर लेकर आए हैं, जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वरना बाद में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है कि अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो भी आप बिजली अभी घर में इस्तेमाल करते हैं, अब आपको यहाँ पर ज़्यादा बिल भरना पड़ेगा। दोस्तों
बता दें, आपके घर में अगर बिजली का कनेक्शन है या फिर आपके दोस्त के घर में बिजली का कनेक्शन है तो आप उसको भी इस खबर को जरूर बता दीजिएगा कि अगर उसने अभी तक अपने बिजली का बिल नहीं भरा है तो दोस्तों उसको यहाँ पर अब अगले आने वाले महीने में बहुत बड़ा ब्याज लगने वाला है, यानी कि सीधे तौर पर आपको जुर्माना लगने वाला है। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सैल स्वभाव के हैं जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अब जिनको है ट्रेनें चलने का इंतजार, उनके लिए आई है बड़ी खबर। इस दिन से चलने जा रही है पूरे देश में इतनी अधिक ट्रेनें, अब सभी लोग पहुंचेंगे अपने घर। जी हाँ दोस्तों, बता दें अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, चूंकि लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है लेकिन कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर इन राज्यों में लॉकडाउन के चलते ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। और कई ऐसे मजदूर हैं, कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि अभी भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं, अब उनके लिए मोदी सरकार 100 और ट्रेनें चलाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है, जहां पर अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है अब उनके बाद में लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही ये 100 और ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें अब सभी को उनको घरों तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों ये ट्रेनें जो है अगले आने वाले त्योहारों को भी देखते हुए चलाई जा रही हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, इन सभी त्योहारों को देखते हुए भी मोदी सरकार चला रही है। तो अगर आप भी अपने काम धंधे की ओर लौटना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है, आगे आने वाले दिनों में 100 ट्रेनें और चलेंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके घर पर भी ये उज्ज्वला योजना वाला फ्री वाला गैस सिलेंडर, तो आपके लिए आई है बड़ी खबर। जान लीजिए इस पूरी खबर को, वरना मोदी सरकार आपके ऊपर कर सकती है बड़ा केस। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपके लिए यहाँ पर आपके घर पर भी अगर उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला जो फ्री गैस सिलेंडर है जो मोदी सरकार ने दिया था, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिन भी भाइयों के घर में या बहनों के घर में LPG गैस सिलेंडर जो फ्री वाला मिला था, उसमें आपके लिए दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार अब अगले आने वाले कुछ महीनों तक आपके खाते में LPG गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं भेजेगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको यहाँ पर फ्री में जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला था, अब उसके लिए आपको यहाँ पर गैस की सब्सिडी नहीं मिलेगी और आपको यहाँ पर 2-3 महीनों तक आपके खाते में ये पैसे नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके खाते में उज्ज्वला योजना के तहत ये पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे। तो आखिरकार वो कौन सा काम है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको ये नुकसान ना हो और आपके भी खाते में उज्ज्वला योजना के तहत आने वाली सब्सिडी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी आपके खाते में हर महीने पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके खाते में पहले 2 महीनों से सब्सिडी नहीं आ रही है और आगे आने वाले 2 महीनों तक भी LPG गैस की सब्सिडी नहीं आएगी। लेकिन जिनके पास में राशन कार्ड है, जो आपने देखा होगा एक सफेद कार्ड होता है वो वाला कार्ड अगर आपके पास भी है, तो आपके खाते में यहाँ पर मोदी सरकार अवश्य ही सब्सिडी भेजेगी, यानी हर महीने जो भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी होती है 200 रुपये, 300 रुपये, 150 रुपये, वो आपके खाते में हर महीने गैस सिलेंडर के भरवाने के बाद में आने लगेगी। दोस्तों अगर आपके पास भी राशन कार्ड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों, अब स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए आई बुरी खबर। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी स्कूलों के लिए मोदी सरकार ने जारी किया है ये बड़ा आदेश। जान लीजिए पूरी खबर, पहले कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए आ चुकी है बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, बता दें आपके लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी घोषणा करते हुए बताया गया है कि सभी बच्चों के लिए अब 21 सितंबर से देश के सभी राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी बच्चा किसी भी कॉलेज में पढ़ता है, किसी भी स्कूल में पढ़ता है, किसी भी कक्षा में पढ़ता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सबके लिए यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार 21 सितंबर से पूरे देश में स्कूल और कॉलेज खोलने जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना भी अब तेजी से फैल रहा है, ऐसे में दोस्तों आप अपने बच्चों को अभी फिलहाल के लिए अपने स्कूलों में ना भेजें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि कोरोना अभी तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अब लगभग 1 लाख मामले रोजाना आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों अभी 90,000 मामले आए थे एक ही दिन में, अब यहाँ पर ये मरीजों की संख्या दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते पूरे देश में कोरोना के 1 लाख मरीज हर दिन मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, यानी कि खतरनाक हो सकता है। आपके अनुसार स्कूल और कॉलेज कोरोना काल में खोलना कितना मुनासिब है, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगली खबर, अगर आपके पास भी है जमीन तो मोदी सरकार ने अभी निकाल दी है ये नई योजना। अब खेती करने के लिए आपको मिलेंगे इतने हजार रुपए, अगर बारिश या फिर बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती है आपकी फसल तो मोदी सरकार देगी ये पैसा। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी किसान हैं या फिर आपके पास जमीन है और आप छोटी सी जमीन पर आप अपना जो भी खेती करते हैं या फिर जो भी आप थोड़ी बहुत फसल उगाते हैं, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास भी जमीन है और आप भी चाहते हैं कि आपको भी मोदी सरकार हर महीने करीब आपकी फसल का 10,000 रुपया आपके बैंक खाते में भेजे, तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी सरकार की ओर से फसल बीमा
योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके चलते सभी किसान भाइयों के खाते में फसल खराब हो जाने की स्थिति में पैसे भेजे जाते हैं। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी यहां पर बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया है कि सभी किसानों को 16 सितंबर को, जी हां दोस्तों इसी महीने के 16 तारीख को सभी किसान भाइयों के खाते में 4,688 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। दोस्तों बता दें कि ये पूरे देश के सभी किसानों के खाते में भेजे जाते हैं मोदी सरकार की तरफ से। उनको यहां पर फसल खराब हो जाने की स्थिति में मोदी सरकार उनके खाते में ये पैसा भेजती है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी फसल अगर किसी भी कारण से खराब हो जाती है, किसी वर्ष अगर आपकी फसल नहीं हो पाती है तो आपको ये पैसा मिले, तो इसके लिए आपको दोस्तों फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है agriinsurance.gov.in।